ब्रोकली को अगर आप स्टीम करके या फिर सैलेड फॉर्म में ही कंज्यूम करते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कशिप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रोकली की सब्जी, वो भी प्रेशर कुकर में, जो सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि आप अपने घर के किसी भी मेनू के जर पे बना के सर्व कर सकते हैं, ये यकीनन सबको अच्छी लगेगी। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 500 ग्राम ब्रोकली चाहिए, जिसे हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और वॉश करने के बाद मैंने इसके पीसेस को थोड़े से बड़े टुकड़ों में काटा है, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तो सब्जियों को थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काटिए ताकि वो पूरी तरह से गले ना। इसके साथ ही यहाँ पे 2 हरी मिर्च को रफली चॉप कर लिया है, 10 से 12 कली लहसुन ले लेंगे, आधा इंच टुकड़ा अदरक का, इसे हमें कूट लेना है। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से कूटे हुए मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हल्का सा दरदरा ही कूटूंगी मैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से क्रश कर लिया है, आप चाहें तो ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट करता है इसमें। तो इस तरह से टेक्सचर आएगा इसका। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो चुका है, अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक प्रेशर कुकर ले लिया है। कुकर में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तेल, इसमें हमें ब्रोकली को हल्का सा फ्राई करना है। आप यहाँ पे कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। ब्रोकली के पीसेज ऐड कर दिए मैंने, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच रखिए और टाइम देख के आप सिर्फ 2 मिनट तक इसे भून लीजिए। आप देखेंगे ब्रोकली ऊपर से श्रिंक करने लगते हैं, बस उसके साथ ही आप इसे निकाल लीजिए, बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। तो इस तरह से भुनी हुई ब्रोकली का टेस्ट बहुत अच्छा था, स्पेशली जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है, मैं नज़दीक से आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। इस तरह से ब्रोकली श्रिंक कर जाएगा, तब आप इसे बाहर निकाल लीजिए। अब सेम कुकर में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल और इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, यहाँ पे जाएगा 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 2 तेज़पत्ता। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट पसंद ना हो तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। सबको भून लेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम के बीच। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को, जिसे हमने स्लाइसिस में काटा है। प्याज को सिर्फ हल्का गुलाबी होने तक ही भूनना है, इस प्रोसेस में आपको हार्डली 2 से 2.5 मिनट ही लगेगा, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। प्याज को हल्का गुलाबी रखेंगे तो ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से इसका कलर आ जाएगा, ये देखिए। तो प्याज जैसे ही भुन जाए इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन हरी मिर्च को, जिसे हमने कूट के रखा था। आप यहाँ पे पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कूट के इसे ऐड नहीं करना चाहते तो। इसके साथ ही यहाँ पे एक बड़े साइज़ के टमाटर को फाइनली चॉप करके ऐड कर दीजिए, या फिर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को। अब सबको साथ साथ कुछ देर के लिए भूनेंगे, जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चा फ्लेवर ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद सारे सूखे मसाले हम डाल के इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो लगभग 1 मिनट तक इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लीजिए, गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। अच्छी तरह से भून चुका है, अब डालेंगे इसमें 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे हम। मसाले बहुत ही बेसिक हैं और इतने मसाले में ही आप ये सब्जी बनाइएगा। यहाँ पे डाला मैंने 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, मैंने 1 छोटी चम्मच ऐड की है। अब सबको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से तब तक भूनिए जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए। इसमें आपको गरम मसाला ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन 3 मसालों से ये सब्जी बनाइए, आप यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे इसे भूनते हुए आप देख सकते हैं टमाटर ने काफ़ी मॉइस्चर रिलीज़ किया है और मसाले का टेक्स्चर काफ़ी अच्छा हो गया है, साइड से तेल भी सेपरेट हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसे और भूनेंगे। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें हम ब्रोकली ऐड कर देंगे। ब्रोकली के साथ मसालों को लगभग 1 से 2 मिनट तक और भूनिए, गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। इस तरह से मसालों के साथ भूनने पे ब्रोकली का टेस्ट अच्छा आएगा। तो बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भूनिए, मसाले लिपट जाएं ब्रोकली के ऊपर। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने भून लिया है, अब बारी आती है पानी ऐड करने की। तो पानी बहुत ध्यान से आपको डालना है, यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है। ब्रोकली काफ़ी मॉइस्चर रिलीज करेगा तो पानी थोड़ा सा कम ही ऐड कीजिए। जब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कितनी सारी ग्रेवी बनेगी, तो इसके लिए पानी बिल्कुल कम ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के अच्छी तरह से इसे मिला लिया है, अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसमें हमें मीडियम फ्लेम पे 2 विसल आने तक पका लेना है। तो यहाँ पे सीटी लगा दी है मैंने, गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद करेंगे।
तो यहाँ पे ये दूसरी सीटी आने वाली है। तो ये आखिरी सीटी आ गई है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, पूरी तरह से प्रेशर निकलने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो अब ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं सब्जी किस तरह से बनी है हमारी। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सारे बेसिक मसाले, वो भी सिर्फ 3 से 4 मसाले ऐड किए मैंने, और ये सब्जी बहुत ही शानदार बनती है। आप इसे पराठे, पूरी या फिर रोटी के साथ सर्व कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।